स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पार्ट 3, लेसन 3। इसका नाम है अपनी वस्तु। हिंदी में हम पढ़ेंगे पार्ट 3, नाम है अपनी वस्तु। तो मेरे साथ आप भी बुक ओपन करिए और पढ़िए और फिंगर रखिए। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। मतलब एक महात्मा जी थे, साधु थे, जो रास्ते से गुजर रहे थे, मतलब उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक स्थान पर, मतलब एक जगह खड़े होकर दो व्यक्ति आपस में जोर जोर से बोलते हुए सुना, उन्हें लड़ते हुए देखा। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। मतलब दोनों के हाथ में लकड़ियां थी, लठ थे, मतलब बड़े बड़े डंडे थे, और दोनों एक दूसरे के हाथों में थे लठ, और दोनों एक दूसरे के प्राण, मतलब दोनों एक दूसरे को मारने को तैयार थे, ऐसा उन्होंने देखा। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी है। उसमें से एक बंदा, मतलब एक व्यक्ति बोल रहा था कि यह जमीन मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, मतलब मैं इसका रखवाला हूँ, यह मेरी है। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था, और दूसरा व्यक्ति भी यही बोल रहा था, नहीं, इसका मालिक मैं हूँ, यह भूमि मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। मतलब दोनों ही गुस्से में थे और दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, और दोनों ही अपने बोल रहे थे कि नहीं, ये ज़मीन मेरी है, और वो दूसरा व्यक्ति भी यही बोल रहा था कि ये ज़मीन मेरी है। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे और दोनों ही अपनी सपाई पेश कर रहे थे, मतलब अपनी बात रख रहे थे। सेकेंड पैराग्राफ है, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं, वो दूसरों की भलाई करते हैं और वो दयालु होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। वो तो सदा ही सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मन में सोचा कि ये दोनों ही झगड़ा करके अपनी जान गंवा सकते हैं या गंवाने पर तुले हैं, अतएव इन्हें समझा बुझा कर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सोचा, मैं इन्हें समझा बुझा कर इनका आपस का झगड़ा मैं समाप्त करा दूं। यह सोच के वह उनके पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो? उनके पास गए और बड़े विनम्रता से बोले, हे सज्जन पुरुष, तुम कौन हो? तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। उन्होंने बोला, हम दोनों भाई हैं और मरने से पहले हमारी जो भी जमीन जायदाद, जो भी संपत्ति धन था, वो हमारे जो पापा थे वो बंटवारा करके गए हैं, और उसके अनुसार जो बंटवारा किया है, उस बंटवारे में ये भूमि मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, और ये दूसरा भाई व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। फर्स्ट वाले ने ऐसा कहा, दूसरा व्यक्ति तत्काल बोला, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, मतलब इसके बंटवारे में नहीं, ये मेरे बंटवारे में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ।
वो बोलता है इसका तो असली मालिक मैं हूँ, यह झूठ मुठ्ठी इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। उसने अपनी सपाई में बोला कि ये तो झूठ बोल रहा है और ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है और ये मेरी जमीन को लेना चाहता। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। महात्मा जी ने बोला कि तुम दोनों इस ज़मीन के लिए अपना अपना पक्ष दे रहे हो कि मैं सही हूँ और अपनी अपनी बात रख रहे हो, लेकिन तुम दोनों इस भूमि से मतलब इस ज़मीन से ही पूछ लो कि इसका सही मालिक कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी और तुम्हारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, वो खुद ही बता देगी कि इसका मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, कुछ देर तक तो दोनों व्यक्ति वो महात्मा जी की ओर देखते रहे, फिर बोले किंतु यह कैसे संभव है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि जमीन बोले, उन्होंने ये क्वेश्चन किया। भूमि भी कभी बोलती है, उन्होंने कहा कभी भूमि को क्या बोलते, तो कभी सुना नहीं, क्या भूमि कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हैं, किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। महात्मा जी ने कहा अवश्य बोलती है लेकिन तुम लोग नहीं सुन सकते हो, लेकिन क्या ये भूमि जो भी निर्णय लेगी मतलब जो भी ये डिसीजन लेगी वो तुम दोनों को मान्य होगा, जो भी निर्णय लेगी भूमि वो तुम्हें मानना होगा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे दौड़े ही जा रही है, वह कहीं भागे दौड़े ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने 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 घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उन्होंने कहा कि पहले मुझे भोजन कराओ फिर निर्णय सुनाएगी भूमि। तो दोनों भाइयों ने बोला कि पहले निर्णय सुना दीजिए महात्मा जी, फिर आप भोजन हो जाएगा, लेकिन महात्मा जी थे जो डर गए कि नहीं पहले हम भोजन करेंगे, और दोनों को अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाना है, और वो पेड़ की छाया में बैठ गए। मैं यहाँ पर पेड़ की छाया में वो इंतज़ार करने लगे। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। अब दोनों भाई अपने घर गए और भोजन बनवा कर ले आए, खाना बना कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। मतलब वो भोजन लेके आए अपने अपने घर से, फिर जो महात्मा जी थे उन्होंने उन दोनों को भी थाली में भोजन रखा और अपनी थाली में भी, और तीनों ने भोजन किए और आपस में बातचीत करते करते 2 घंटे बीत गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे, मतलब
इनको भोजन बनवा के लेके आना और फिर उनके साथ खाना, और खाने में कम से कम 2 घंटे तक खाना खाते वक्त 2 घंटे बिताना, ये सब इन्होंने महाराज ने इसलिए किया ताकि ये दोनों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए और इनसे अच्छी तरह से शांत वातावरण में बात की जा सके, क्योंकि इनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो ये महाराज की बात को समझ सके। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। उन्होंने बड़े विनम्रता से बोला, महाराज आप ही, ये भूमि क्या बोलेगी, हमने तो कभी नहीं सुना कि कभी भूमि बोलती भी है, इससे तो अच्छा आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए कि ये भूमि किसकी है। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। उन्होंने बताया, महात्मा जी कई देर तक तो अपने कान भूमि पर लगाए रहे, फिर कहा कि ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है, ये ऐसा नहीं कह रही कि मैं इसकी या मैं इसकी हूँ, वो तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाइयों ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्या कह रही है। तो महात्मा जी ने कहा कि ये कह रही कि दोनों भाई व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं, इनका झगड़े का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं, लेकिन ये दोनों मेरे हो सकते हैं लेकिन मैं किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये इनके जो पीढ़ियाँ हैं, दादाजी पर दादाजी, इन्होंने सब ने मेरे भूमि पर काम किया है, और मतलब मेरे भूमि पर फसल वगैरह, खेत वगैरह जो भी खेती है की है, और उससे जो भी धन कमाया है उससे इनका पालन पोषण हुआ है, ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर गए। महात्मा जी की बात सुनकर, मतलब जो साधु जी थे उनकी बात सुनकर दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हुए और उनके पैर पकड़ कर बैठ गए। महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की ओर उन्हें समझाते हुए कहा, उन्होंने देखा कि यही मौका है, मैं इन्हें समझा सकता हूँ। तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है। उन्होंने कहा, जरा सोचो, जिस भूमि के लिए, जिस जगह के लिए, जमीन के लिए आप झगड़ा कर रहे हो, वो कभी किसी की हुई है क्या, जो तुम लोगों की बन जाएगी, जो तुम लोगों की हो जाएगी। मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता है। मनुष्य जो है व्यर्थ ही, मतलब व्यर्थ ही, जिसका कोई मतलब बात नहीं है, मतलब मेरी करता है, यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लेके गए हैं। मतलब बड़े बड़े छत्रपति, उनकी भी बहुत बड़े बड़े महल थे, जमीन थे, और खूब मतलब झगड़ा करते थे और अपना बना लेते थे। वो भी जब मरे तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए, खाली आए थे और खाली हाथ ही गए हैं। कुछ भी नहीं, वैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। मतलब हमारे पास जो भी वस्तु है वो यहीं की यहीं रह जाती है, हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। ना तो हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कुछ लेके जाते हैं, और जब हम मरते हैं तो भी हमारे साथ कुछ नहीं लेके जाते, इसलिए हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। उन्होंने कहा कि ये भूमि के छोटा सा टुकड़ा है और झगड़ा करके तुम इतना अच्छा जीवन क्यों नष्ट करने पे तुले हुए हो, मतलब झगड़ा करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। यह भूमि ना तुम्हारी है और ना तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति
मकान आदि। मतलब ये जो भूमि है इसके लिए क्या झगड़ा कर रहे हो, दुनिया के संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो तुम्हारी नहीं हो सकती है, मतलब इसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिन इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, मतलब मकान हुआ, संपत्ति हुई, जो भी वस्तुएं हैं इसमें सभी वस्तुएं आ रही है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। जो तुम्हारी अपनी वस्तु है वो तो भजन है, भक्ति है और अच्छे कर्म है जो तुम्हारे साथ जाते हैं। लोक परलोक के सगी साथी है, मतलब हम जो अच्छा काम करेंगे जब हम मरेंगे तो वो हमारे साथ जाएंगे। से सब कुछ तो यहीं रह जाता है। और जो भी जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि धन संपत्ति, मकान, जमीन, बंगले, गाड़ी, ये सब यहीं रह जाती है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। मतलब ये जो हम लड़ रहे हैं इन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे तो अच्छा हमने मनुष्य जन्म लिया है, तो इस जन्म में हम अच्छा काम करें और इस समय को व्यर्थ ना, लड़ाई झगड़े में हम समय बर्बाद ना करें और जीवन में अच्छे कर्म करें और अच्छा नाम कमाएं, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सवर जाए और हमें अच्छी तरह से हमारा लोक परलोक सवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। और फिर दोनों भाई आपस में अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक रहने लगे और महाराज से जो साधु महात्मा जी थे उनसे उन्होंने क्षमा मांगी और भजन भक्ति में और अच्छे कर्म में उन्होंने अपना समय बिताने लगे। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। ये भौतिक वस्तुएं जो है वो यहीं की यहीं रखी जाती हैं, हमारे साथ हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं।